पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मात पिता तेरा कुटुम कबीला। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की मशहूर गायिका आकृति मिश्रा के जीवन से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, आकृति मिश्रा राजस्थान की मशहूर गायिका है और देखते ही देखते रातों रात वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। आज जिस मुकाम पर आकृति मिश्रा है वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को बरसों बीत जाते हैं। आज हम आकृति मिश्रा के संपूर्ण जीवन की जीवनी गाथा आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। दोस्तों, आकृति मिश्रा पिछले दिनों लीला प्यारी जाए जाए गढ़ खरनालिया शहर भजन से वायरल हुई थी और आज वह ऊंचे शिखर पर विराजमान है। दरअसल आकृति मिश्रा ने छोटू सिंह रावना के गाए हुए तेजाजी महाराज का भजन लीला प्यारी जाए जाए को बेहतरीन ढंग से गाया कि आज पूरे भारत में उनका यह सोंग धूम मचा रहा है। आकृति मिश्रा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनका नाम भारत तो क्या पूरे देश विदेश में जाना जाने लगा है। आकृति मिश्रा अपनी बलिया अवस्था में ही पूरी दुनिया में नाम कमा चुकी है और इस बात का हर राजस्थानी को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी यह बात तो जानते हैं कि आकृति मिश्रा रातों रात स्टार तो बन गई, मगर उसके पीछे अपार मेहनत छिपी हुई है। दोस्तों, आकृति मिश्रा ने अपने भजन संगीत की शुरुआत महज 7 वर्ष की अल्पायु में ही कर दी थी। वह भजनों में जाती मगर उनको मौका नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें यह कहा जाता कि यह लड़की है, भजन गाकर क्या करेगी, आखिर जाना तो ससुराल ही है। मगर उनके पिता ने उनको संभाले रखा। आकृति मिश्रा पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 2017 में उनके पिता का देहांत हो गया। तब वह 1 वर्ष तक भजनों से दूर रही और इस दौरान अपनी पढ़ाई से भी दूर रही। जब उनके पिता का देहांत हो गया तब उनके सारे घर की जिम्मेदारी उनके भाई सुनील पर आ गई। सुनील मिश्रा ने पूरे घर को संभाला और आकृति मिश्रा को फिर से गायकी में लेकर आए। अथाह मेहनत का फल आकृति मिश्रा को साल 2021 में मिला जब उनका एक वीडियो लीला प्यारी जायजे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में वायरल हुआ। इस दौरान हर लोगों के स्टेटस पर आकृति का यह सॉन्ग लगा हुआ था और यह काफी ज्यादा वायरल हुआ। आज अपनी मेहनत के कारण ही आकृति मिश्रा इस मुकाम तक पहुंची है। आकृति मिश्रा का जन्म सन 23 अक्टूबर 2002 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के छोटे से गांव पीपली में हुआ। आकृति मिश्रा के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनके परिवार वाले राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने लगे। आकृति मिश्रा के पिता का नाम पवन कुमार मिश्रा है, वहीं आकृति मिश्रा की माता का नाम पार्वती देवी है। आकृति मिश्रा के एक भाई और एक बहन भी है। आकृति मिश्रा के भाई का नाम सुनील मिश्रा है, वहीं आकृति मिश्रा की बहन का नाम अनुराधा मिश्रा है। आकृति मिश्रा ने अपने स्कूली शिक्षा भीलवाड़ा से ही पूरी की है। आकृति मिश्रा अभी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। कहीं ना कहीं सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि आखिर आकृति मिश्रा लड़का है या लड़की। आपको बता दे कि लड़कों की तरह बाल रखने वाली और लड़कों के कपड़े पहनने वाली आकृति मिश्रा एक लड़की है, जिन्हें लड़कों की तरह रहना पसंद है। आकृति मिश्रा अभी सिंगल ही है और उनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। आकृति मिश्रा अभी अपने करियर के बारे में सोच रही है और वे अपने करियर पर फोकस रहना चाहती है। आकृति मिश्रा की वैवाहिक स्थिति भी अभी तक अविवाहित ही है। आकृति मिश्रा अपने सिंगिंग टैलेंट को और निखारना चाहती है, इसलिए वह अभी इन झंझट में नहीं पड़ना चाहती है। आकृति मिश्रा के कई भजन और गाने हैं। अगर उनके कुछ भजन और गाने काफी ज्यादा वायरल हुए हैं, जिनमें मुख्य लीला प्यारी भजन है। इसके साथ ही आकृति मिश्रा के अन्य वायरल भजन माताजी भजन, तेजाजी भजन और बालाजी भजन है। आकृति मिश्रा ने लखबीर सिंह लखा के साथ में भी मंच शेयर किया था। साल 2012 में लखबीर सिंह लखा भीलवाड़ा में आए थे, तब उन्होंने आकृति मिश्रा की गायकी सुनी और फिर उन्होंने कहा कि अगर आकृति मिश्रा को सही संगीत की शिक्षा दी जाए तो ये बच्ची अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। आकृति मिश्रा ने इसके अलावा प्रकाश माली, मेहनुद्दीना मंचला, उमा लहरी जैसे गायकों के साथ भी मंच शेयर किया है। आपको आकृति मिश्रा के भजन कैसे लगते हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही आप कहां से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखें।